तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता रूठ जाएगी तो हाथ मलोगे। फिल्मी गाने की इस तर्ज पर तेजस्वी का तंज, बता दें कि तेजस्वी यादव ने तंज कसा, जिस पर जोरदार ठहाके उठे और ये गाना सुनाकर उन्होंने खूब तालियां बटोरी। उन्होंने मोदी की गारंटी को चाइनीज माल बताया और खूब ठहाके लगे। नई दिल्ली के रामलीला मैदान पर इंडिया गठबंधन की रैली में बेरोजगारी, महंगाई, तानाशाही, अनेक मुद्दे उठाते हुए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लोगों की नाराजगी पर सारा ठीकरा प्रधानमंत्री मोदी के सिर पर फोड़ा और आम जनता से संविधान व लोकतंत्र बचाने के लिए सक्रिय होने का आह्वान किया। ये कोई साधारण रैली नहीं थी, इस रैली ने देश में नफरत की राजनीति और अंदरूनी हालत भी प्रस्तुत किया। ये समझना जरूरी है कि जब देश को ये लगने लगे कि सारी सरकारी संस्थाएं निजी हाथों में सौंपी जा रही हैं, रोजगार के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, महंगाई की रोकथाम सत्ता के हाथों नहीं रही, किसान अपनी बात कहने नहीं दिया जा रहा है, तो विरोध का सामना करने का साहस एक सत्ता पक्ष में नहीं रहे, विरोधी नेताओं को विभिन्न एजेंसियों के जरिए झूठे मामलों में फंसाकर जेलों में ठूंसा जाए, अपने साथ खड़े लोगों को क्लीन चिट बांटी जाए, तो समझ लेना चाहिए कि तानाशाही हावी है। यही तो निरंकुशता है। कुछ ऐसी बातें इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने एक मंच से कही। दूसरी ओर जिस नारी शक्ति को भाजपा अपनी ढाल बनाती है, वही नारी शक्ति अब खुलकर चुनौती दे रही है। यदि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को सलाखों के पीछे डालकर उनकी आवाज चुप करने की कोशिशें हुई तो उन्हीं की पत्नियों ने मोर्चा थाम लिया। इंडिया गठबंधन की रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी और झारखंड के मुख्यमंत्री की पत्नी ने जबरदस्त हुंकार भरी और नारी शक्ति का दम दिखाकर वर्तमान सत्ताधारियों को चुनौती दी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने भावुक अंदाज में लोगों से अन्याय के खिलाफ लड़ने की अपील की। वहीं कल्पना सोरेन ने कहा कि इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं। उन्होंने मतदान में अपनी उंगली का इस्तेमाल तानाशाही के खिलाफ करने का आह्वान किया। उन्होंने न सिर्फ अपने पतियों की जगह संभाली बल्कि देशवासियों को भावुकता पर भ्रमित होने के बजाय मुद्दों पर संघर्ष का साहस भी दिया। शिवसेना पश्चिमी नेता उद्धव ठाकरे के आह्वान पर उपस्थित लाखों लोगों ने अब की बार भाजपा तड़ी पार का नारा दिल्ली में गुंजयमान रख किया। राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव व सभी विरोधी दलों के नेता एक साथ खड़े दिखे। जानकार कहते हैं कि यदि इसी तरह रैलियां पूरे चुनाव में होती रही तो इस बार भाजपा की विदाई जो है वो संभव है। आपको बता दें कि जहां तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों को चाइनीज माल बताया तो वहीं केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नियों ने मोर्चा संभालते हुए नारी शक्ति का आह्वान किया। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की ये पहली महारैली थी जिसमें काफी जन समर्थन भी देखने को मिला और तमाम तरह के नारे गूंजते हुए इस दौरान सुनाई दिए। वहीं जानकारों का कहना है कि ये रैली जो है वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, तो बीजेपी इस रैली का मुकाबला किस तरह से करेगी, जवाब कैसे देगी, ये देखना अहम होने वाला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।